दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहले टेस्ट मैच का डे वन खत्म हो चुका है और वही इंडिया का स्कोर 233 रन पे 6 विकेटों पे 89 ओवर में। अभी हाल में क्रीज पे रिद्धिमान साहा 9 रन बनाकर डटे हुए हैं और आर अश्विन 15 रन बना के डटे हुए हैं। आइए आपको बताते कि आज पूरे दिन क्या हुआ। आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ 0 रन पे आउट हो गए, वो भी मिचेल स्टार्क के बॉल पे, उसके बजाय मयंक अग्रवाल। आपको बता दें कि मयंक अग्रवाल भी कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए और वो पैट कमिंग्स के बॉल पे बोल्ड हो गए। उसके बाद आपको बता दें कि चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली ने मिलकर अच्छी खासी साझेदारी तैयार की। आपको बता दें कि चेतेश्वर पुजारा ने काफ़ी ज़्यादा समय लिया और 160 बॉल पे 43 रन का स्कोर किया। और आपको बता दें कि नेथन लॉन के बॉल पे वो कैच हो गए। उसके बाद विराट कोहली और रहाणे ने मिलकर काफ़ी अच्छा साझेदारी दिया भारत को। और आपको बता दें कि विराट कोहली को रन आउट हो गए। आपको बता दें कि यह रन आउट अजिंक्य रहाणे के कारण हुआ। उसके बाद आपको बता दें कि विराट कोहली ने 74 रन की शानदार पारी खेली। उसके बाद आया अजिंक्य रहाणे और हनुमा बिहारी। आपको बता दें कि हनुमा बिहारी ने काफ़ी अच्छे शॉट खेले और वो 25 बॉल पे 16 रन पे LBW आउट हो गए जोश हेजलवुड के बॉल पे। उसके बाद आपको बता दें कि मिचेल स्टार्क के बॉल पे अजिंक्य रहाणे भी LBW हो गए। आपको बता दें कि अजिंक्य रहाणे ने 42 रन की पारी खेली। और उसके बाद आए रिद्धिमान साहा। आपको बता दें कि रिद्धिमान साहा 9 रन पे नॉट आउट है और आर अश्विन आपको बता दें कि 17 बॉल पे 15 रन बना के खेल रहे हैं। आपको बता दें कि आर अश्विन ने इसी के साथ साथ एक सिक्स भी मारा है। तो दोस्तों ये रहा आज का पूरा लेखा जोखा कि आज क्या हुआ। आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलर के बारे में। आपको बता दें कि मिचेल स्टार्क ने 49 रन देके 2 विकेट लिया और जेस हेजलवुड ने 1 विकेट लिया, पैट कमिंग्स 1 विकेट और नेथन लॉन ने 1 विकेट लिया। इसी के साथ डे वन का दिन समाप्त होता हुआ। अभी देखते हैं कि दूसरे दिन में भारत कितना टारगेट दे सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो के अंत करते हैं। और दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।